साथियों, आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास ने भारत के औद्योगिक विकास को निरंतर गति दी है। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को और बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उतना ही जरूरी है। इसलिए आज हमारी सरकार महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रही है वो अभूतपूर्व है। आज यहां बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, नए नए रेलवे रूट, नए नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे के विकास के लिए यहां 2014 से पहले की तुलना में 12 गुना अधिक खर्च किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों को आसपास के राज्यों के इकोनॉमिक हब से भी जोड़ा जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को फायदा होगा। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से जोड़ेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी भी बिल्कुल बदल जाएगी। महाराष्ट्र को तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बिछाया गया है उससे भी महाराष्ट्र के उद्योगों को नई गति मिलने वाली है। ऑयल और गैस पाइपलाइन हो, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, सैंद्र बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का सामर्थ्य रखते हैं।